आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, तुम ही परमात्मा हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो, और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के, और तुम ही हंस हो। हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है, और आपके बिना आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं, आपकी शक्ति से छह प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं, और वो चित्रण जो किया था एज इट इज चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा दोहु ठौर है, एक तू ऊपर सतलोक में अपने यथार्थ रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है भगवान का, ऐसा एक रोमकूप की शोभा है, तो साकार है रोमकूप है साकार है, और हंस जाकर उस पर चंवर करते, और ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो कह सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब का मरने वाली बात है किसी की मत, चलो समुद्र में कोई नो गया भगवान में लगा मारो छलांग, इसमें एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत, पांचों नाम काल के जानो जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे पांचों से अलग, वो यही जाप करना होगा। सोए गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, गुरु नानक देव जी की वाणी में पंडित जेतु पढ़िया दो अक्षर बिन दो नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा, कि दो अक्षर का नाम है और जो इस दो अक्षर के नाम से परिचित है सतनाम है, वो दो अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये पांच नाम पर घाटा जोड़ रहे हैं, और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम तो काल के नाम जप रहे हो पांचों, इन्होंने अलग से तीन नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी, कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करने के को नहीं, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के, जैसे अकाल मूर्त जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो काल ना आवे, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा, और सतपुरुष सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा, सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता अविनाशी है, राम वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी, राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है इन धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की, और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है मस्तान्य मस्तून्य के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं,
गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, ये कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे। और कह कह का पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरख, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संघर्ष वो करो प्रोसीजर, और वो है सतनाम के दो अक्षर का। सतनाम का जो जाप है दो अक्षर का है, वो उसमें एक ओम है और एक तत्व है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस दो अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थाई स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, स्वयं आए थे कबीर जी, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने, धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे, अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंड पंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सतपुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये कहाँ ले जाएंगे इनको, ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह कह का पता नहीं, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं, बात करते हैं सचखंड की, कह कह का पता नहीं, सतनाम का इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहाँ से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदाल सिंह जी, और उसको ये इब्राधा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदाल की पत्नी थी और ये उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानना था, इसलिए राधा स्वामी कहने लगे, जैसे उमा स्वामी कहते, उमा स्वामी। उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति, उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान। तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति, यानी शिवदयाल,
ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये बोली आत्मा? कुछ तो सोच लो बुद्धिमान हो, आज कंप्यूटर ताई बना लिए और इंटरनेट बना लिए और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी बने बैठे हैं, क्या यूज है वहाँ भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल, या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं, इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद में दा चतुराई, जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है, जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की, इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का हक पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है इनके, ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के, तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, एक पुस्तक है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा, सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, यानी दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिनने ये अड़ंगा गोठत्या ने और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें ये कहना के चाव है। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता आथर्स के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफ़ी संगति की थी, यानी शिवदयाल जी को जिसको राधा स्वामी कहते हैं उसने भी तुलसीदास आथरस वाले की काफ़ी संगति की थी, यानी उसका उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर, ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहाँ थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि उसके बाद ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 1939 में ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ और सन 1956 में नामदान प्राप्त किया। यहाँ ध्यान से देखियो,
जयमल सिंह ने जहाँ व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी। 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया किसने, शिवदयाल जी ने। 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की, 32 वर्ष तक। सन 1878 में नौकरी 32 वर्ष तक सेना में नौकरी, 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में 60 साल की उम्र में, 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चिमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू किया, वहाँ पर ही एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं अपना आत्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी, ये चले गए जिस जहाँ भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहाँ व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को, जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तू उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा होया शिवदयाल जी, और 1856 में यू नाम ले रहा जयमल सिंह जी 5 साल पहले, यानी कच्चा नाम था फिर जब तीन था उनका, कच्चा गुरु था वो, गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है, और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के कोई उड़ तार बांध रहा है, और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं तो क्या लाइट आएगी, 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति ये शिवदयाल जी वाले पंथराधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की। जय गुरुदेव। और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो, जब इनका कहीं इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने, सन 1856 में नाम ले लिया और 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीट के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपना नाम देने लग गया, जो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की इनके, अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था, इसने तो सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यू एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया, बोले सर डालो इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान कर काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा ये पुस्तक वही है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, इसको हम पढ़ते हैं। ये तो भाग एक है, जो भाग एक है ये और भी होगा कोई इनका, तो देखे राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे,
ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे हैं सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो वहाँ पहुँचावे। अब यहाँ आइएगा, अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है ना, एक दो तीन, अब एक दो पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, पांचवी मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं यहाँ पर भी, ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4, गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने तीन के हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से दो स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहाँ इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है, सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआ भाई देखना ये क्या बोल रहे हैं, और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सारसबद सतनाम, सतसबद सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुम न मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया, जैसे सबको जगा दूँ तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे, जब एक सूरवीर बालक ने जाके अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भाग कर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वहाँ कट पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हज़ार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा इस दास का ये प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है, ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुम न घणी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। अब ये हैं शिवजाल जी, इनके परम धनी जिसने राधा स्वामी कहे हैं, वैसे तो ये बात हो रही है फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा, सतनाम ये के चीज़ है, को स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है पांच, ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सारनाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं, अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर, किसी से सुन लिया कभी, कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहाँ चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहाँ जा कर के, मैं शहर सपटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर
तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे, वैसे ही डिफाइन करेगा जिन्हें देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको, श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही पांच नाम, उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये दो अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया करके सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जिन दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊँचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नौरा चुमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है, एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही पाँच नाम वो देते हैं काल के पाँचों, तुलसीदास आथरस वाले कहते हैं पाँचों नाम काल के जानो, ये पांचों काल के जाप हैं, उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम ना समझ मारा, फिर सावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावण सिंह जी के दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे, ये कहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि दो अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये दो अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथाणों के पास, और ये कहते हैं दो अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये दो अक्षर हैं इनकी साधना करनी होती है कि नहीं, ये कहते हैं नहीं, कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम, जब तुमने अक्षर का नहीं बेरा, वो दो अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम, ये मूर्ख बनावे हैं सच्चाई को ऊपर निहाने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुम्बड़ा और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो ये प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो दो अक्षर के मंत्र। और वहाँ ये कहते हैं सतनाम हमारी जाती है, सतनाम मना समझ मारे इनके ही, तो ये सतलोक कीत के जाएंगे, जिन आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुँचेंगे, और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी, और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग तीन, और इसके कौन हैं, ये है श्री सावण सिंह जी, श्री सावण सिंह जी महाराज, ये हैं इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावण सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, इसके प्रकाशक हैं
जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं गोप सन्स पेपर लिमिटेड प्रिंटेड इन इंडिया गोप सन्स पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावन सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये चौथा लोक है, संत मत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहाँ देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो या सतनाम चौथा लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पे देखो क्या कहते हैं, चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू, वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं, महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है, यहाँ देखो 107 पृष्ठ पे, सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन, एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है, वहाँ तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम और ये असली राम है, यू गाट दिया चमटा ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। आ देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4 सत्संग व्यास, संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जल सिंह जिला अमृतसर, मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जोशी स्टेट जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं, 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4, इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी, अक्सर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, यह संसार सर है जो अक्सर है वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है, जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं, एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही, गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है इसके विषय में, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, आह प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है, ये अनुवाद तो है इसकी, इस वाणी का अनुवाद है इन दो अक्षरों के बारे में सावन सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता, या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ और आप पे कह रहा है ये वे अक्षर पार ब्रह्म है,
पार ब्रह्म में एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया, यही कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर अक्षर दोय भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती दो अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस दो नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा दो अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो, तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये दो अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये दो अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है दो अक्षर का और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है, नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं इस सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का, वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी, साधना टट्टू करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शिष्य होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई, आदि गुरु ग्रंथ साहब इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावन सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को, वह अक्षर अक्सर आपके अंदर है ये, और पार पर मजाक मिलेंगे मेरे पास है, भूत बने पास है मिलेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी ओसार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियो सतलोक के वासी इवन होगा जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ महाराज ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये दो अक्षर है किसी भी शास्त्र में नहीं है, ये सोहम एक अक्षर तो ये है और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा, तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द। गीता जी में ओम तत् सत इति निर्देश रहे ब्रह्मण त्रिविध समृत है, तो इन्होंने जहाँ से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपुण आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी छुरी ही बेसलेस है निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, पांचों नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग एक, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग एक है ये, और ये है घट रामायण भाग एक सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, दो प्रमाणिक रूप में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये पांच नाम पर गाटा जोड़ रहे, छठा नाम तो ना बताए, नो कहते गुप्त है वो। और पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये पांच बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। आगे देखो कह जीव धर्ग दानी भाई,
हम चल जाए नाम चितलाई, दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तुम पाई, कही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई, कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा, दानी कहे दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई, कौन नाम मार्ग जो को जाई, कौन नाम से उभरे आई, इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नरत ले लोक सिद्धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये दो अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम दो अक्षर का है और ये आदि नाम ये सार नाम है, इन तीनों का जाप करना है, इस सतनाम का भी दो अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है, ये कहते हैं ना साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से, सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हैं उनके कर कमलों से, और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेर बदल कर दिया समझ गए कितने, तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए, ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में, और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनकर आदमी कटके मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है, ये वही है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहला भाग है, ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा सतनाम, सा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, फोन नंबर इतने। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये अलखनामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहाँ लिखा है अलखनामी आया रे सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारणयुद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, इसको कहें सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी और एक सदा एक रस है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है और प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कोई भगवान है नहीं वास्तव में, नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना सच संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है, और उसको पुरुष का स्थान है, यहाँ तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, पाँचे दिन ढंग से लिख दिया, उसी को सतलोक को सचखंड को, उसी को सतनाम सतशब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक एक कुएं की भांग है सारी, कहते हैं ये सतलोक है संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है, और उस वो अजर अमर है, चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है, और उसी को इस सतलोक को सतनाम सतनाम सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक कुएं का पानी है, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली, और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना, ये भी वहीं से निकला हुआ है, और ये कृपाल सिंह